भारत त्योहारों, उत्सवों और आस्था का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और धार्मिक विश्वास हैं, लेकिन कभी कभी यही आस्था और विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। आस्था के नाम पर भारत में कई अजीबोगरीब मान्यताएं हैं जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। आज हम आपको ऐसी ही 8 मान्यताओं के बारे में बता रहे हैं। 1. अच्छे भाग्य के लिए छत से फेंकते हैं बच्चों को। महाराष्ट्र के शोलापुर में बाबा उमर दरगाह और कर्नाटक के इंदी स्थित श्री संतेश्वर मंदिर में तो बच्चों को छत से नीचे फेंका जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बच्चे को ऊंचाई से नीचे फेंकने पर उसका और उसके परिवार का भाग्य उदय होता है। इसके साथ ही बच्चा स्वस्थ रहता है। यहाँ करीब 50 फीट की ऊंचाई से बच्चे को फेंका जाता है, जहाँ नीचे खड़े लोग उसे चादर से पकड़ते हैं। पिछले 700 सालों से यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर पहुँचते हैं। 2. बारिश के लिए मेंढकों की शादी। हमारे देश के ही कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। दरअसल असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में लोग बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि मेंढकों की शादी कराने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और उस साल भरपूर बारिश होती है। 3. चर्म रोगों से बचने के लिए फुटबाथ। कर्नाटक के कुछ ग्रामीण इलाकों में स्थित मंदिरों में भोज के बाद बचे हुए खाने पर लौटने की परंपरा है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से चर्म रोग और बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दरअसल मंदिर के बाहर ब्राह्मणों को केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता है। बाद में नीची जाति के लोग इस बचे हुए भोजन पर लौटते हैं। इसके बाद ये लोग कुमारधारा नदी में स्नान करते हैं और इस तरह ये परंपरा पूरी होती है। 4. विकलांगता से बचाने के लिए गले तक जमीन में। उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी अजीब परंपरा है। यहाँ बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकलांगता से बचाने के लिए उन्हें गले तक जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये अनुष्ठान सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुरू होने के 15 मिनट पहले शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों को कुछ घंटे के लिए जमीन में दबाने से उन्हें शारीरिक और मानसिक अपंगता से छुटकारा मिलता है। 5. चेचक से बचने को छेदते हैं शरीर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले पारंपरिक उत्सव में लोग अपने शरीर को छेदते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से वो माता चेचक के प्रकोप से बच जाते हैं। मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में आने वाली चैत्र पूर्णिमा के दिन लोग ऐसा करते हैं। शरीर को छेदने के बाद ये लोग खुशी से नाचते गाते हैं। 6. खौलते दूध से बच्चों को नहलाना। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर के कुछ मंदिरों में कराहा पूजन की अनोखी परंपरा है। यहाँ नवजात बच्चों को खौलते दूध से नहलाया जाता है और ये काम बच्चे का पिता ही करता है। बाद में वे खुद खौलते दूध से नहाता है। ये उत्सव मनाने के दौरान मंत्र और श्लोक भी पढ़े जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर बच्चे को अपना आशीर्वाद देते हैं। नवरात्र पर भी कराहा पूजन किया जाता है, जिसमें पुजारी खोलती खीर से नहाते हैं। 7. गायों के पैरों से कुचलना। भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुछ गांवों में एक अजीब सी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। इसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से दौड़ती हुई गाय गुजारी जाती है। इस परंपरा का पालन दिवाली के अगले दिन किया जाता है, जो कि एकादशी का पर्व कहलाता है। इस दिन उज्जैन जिले के और आसपास के गांव के लोग पहले अपनी गायों को रंगों और मेहंदी से अलग अलग पैटर्न से सजाते हैं। उसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाती हैं और अंत में दौड़ती हुई गायें उन पर से गुजर जाती हैं। 8. बच्चियों की कुत्तों से शादी। इसे परंपरा ना कहकर कुरीति कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसमें भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चियों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती हैं, पर होती है असली हिंदू तरीके और रीति रिवाज से। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। पंडित, हलवाई सब बुक किए जाते हैं। बाकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना ही खर्चा बैठता है और उससे भी बड़ी बात की समाज एवं रिश्तेदार भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शायद आपको एक बार तो यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। हमारे देश में झारखंड राज्य के कई इलाकों में परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां सदियों से कराई जा रही है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।